सतयुग में हनुमान। एक समय सृष्टि से जल तत्व अदृश्य हो गया, सृष्टि में त्राही त्राही मच गई और जीवन का अंत होने लगा। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ऋषिगण तथा देवता मिलकर भगवान शिव जी के शरण में गए और शिव जी से प्रार्थना की और बोले, नाथों के नाथ, आदिनाथ, अब इस समस्या से आप ही निपटें, सृष्टि में पुनः जल तत्व कैसे आएगा। देवताओं की विनती सुनकर भोलेनाथ ने ग्यारह रुद्रों को बुलाकर पूछा, आप में से कोई ऐसा है जो सृष्टि को पुनः जल तत्व प्रदान कर सके। दस रुद्रों ने इनकार कर दिया। ग्यारहवां रुद्र, जिसका नाम हर था, उसने कहा, मेरे करतल में जल तत्व का पूर्ण निवास है, मैं सृष्टि को पुनः जल तत्व प्रदान करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपना शरीर गलाना पड़ेगा। शरीर गलने के बाद इस सृष्टि से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। तब भगवान शिव ने हर रूपी रुद्र को वरदान दिया और कहा, इस रुद्र रूपी शरीर के गलने के बाद तुम्हें नया शरीर और नया नाम प्राप्त होगा। मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे उस नए तन में निवास करूंगा जो सृष्टि के कल्याण हेतु होगा। हर नामक रुद्र ने अपने शरीर को बुलाकर सृष्टि को जल तथा प्रदान किया और उसी जल में एक महाबली बानर की